please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर से बढ़ोतरी की है. दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 24 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल के दाम दिल्ली की अगर बात करें तो 81.83 रुपये हो गए हैं. डीजल की कीमत दिल्ली में 73.54 रुपये हुई है. इसी तरीके से मुंबई में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल में 26 पैसे का इजाफा किया गया और जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 89.07 रुपये और डीजल 78.13 रुपये में मिल रहा है. डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है. आज भी मुंबई में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है. इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के एक वर्ली स्थित पेट्रोल पंप पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आज पेट्रोल का जो की कीमत है वो 89.07 है. कुल मिला के जो पेट्रोल की जो कीमत है उसमें आज 35 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि कल ये रेट 88.72 था. तो वहीं डीजल की कीमत जो आज है वो 78.13 है प्रति लीटर, जबकि ये कीमत कल 77.87 थी. तो जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है उससे कई लोगों को तकलीफें भी हो रही है. हम यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल भराने आए हैं उनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे. सर, जिस तरह लगातार कीमतें बढ़ रही है, आज 89 भी पार कर चुका है पेट्रोल मुंबई में, कैसे देखते हैं? सर, अभी चाहे कितना भी हो जाए कंपलसरी तो है, अगर अभी 150 भी हो जाए तुमको भरना तो पड़ेगा ही. हम क्या बाइक में मतलब बस में तो जाएंगे नहीं, अगर ऑफिस जाना तो यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन हम चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट कम से कम करे, क्योंकि एक कंपलसरी आज के डेट में इसे मस्ट है. काफ़ी फर्क पड़ जाता होगा बजट पे आपके? डेफिनेटली सर, बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आज के डेट में बाइक के बिना काम चलता है नहीं बॉम्बे, क्योंकि फोर व्हीलर ट्रैफिक तो बाइक चाहिए. दिन का एवरेज कम से कम मेरा 40-50 किलोमीटर रनिंग है, तो मंथली मेरा बहुत फर्क पड़ जाता है सर. ये कम से कम मंथली में एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा 500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है. निश्चित तौर पर जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उससे आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है और उसकी जेब पर एक बड़ा डाका डाला जा रहा है और कई दिक्कतों का इनका सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को. मुंबई से अर्जुन चिकले के साथ अमन सैयद, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई. मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे दिन के साइंस नहीं है जो ऑलरेडी वो क्लेम कर चुके हैं. तो जो इसमें नॉर्मली जो नुकसान हो रहा है वो ऑर्डिनरी जो जनता है उनके नुकसान हो रहा है. कुछ लोग बेयर कर सकते हैं पर मेजॉरिटी लोग बेयर नहीं कर सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तकलीफ तो बहुत होती है, ओला में गाड़ी चलाता हूँ, अब जाओ कस्टमर के पास तो 2-4 किलोमीटर कैंसिल भी कर देते हैं. और डीजल का दाम इतना है, अभी पड़ोड़ी नहीं रहा है, क्या करेंगे, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ता है. सर देखिए, ये तो अभी बेसिक प्रॉब्लम हो ही गई है, एवरी डे बढ़ते जा रहा है पेट्रोल का रेट. अब इसमें कौन स्टैंड ले कौन स्टैंड नहीं ले समझने नहीं आता है. फर्स्ट थिंग ये हो गई है सर कि सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम ये हो गया कि अब 89 रुपीज़ पर लीटर देखा जाए तो इतना कुछ 10-15 रुपये आज एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब हम एक बल्क में जब हम पेट्रोल फुल कराते हैं या फुल टैंक कराते हैं या कहीं लंबा जाना होता है तब ये हमारा बहुत बहुत तरीके से कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है. हरियाणा की जींद में छिड़खानी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले छिड़खानी से परेशान एक स्कूल की कई छात्राओं ने अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी. छात्राओं ने कई लड़कों पर स्कूल जाते वक्त अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर. एक लड़के ने एक लड़की को जबरदस्ती एक पत्र भी हाथ में सब थमा दिया था, जिस पर शिकायत मिली थी, शिकायत को मुकदमा दर्ज कर दिया गया था 5-6 लड़कियों के खिलाफ, और जिनमें से 5 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं. एक लड़के की गिरफ्तारी बताया है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया. बिहार में बेगूसराय के गांव में पानी घुसने के बाद कुछ लोग नाव पर सवार होकर वहां से जाने लगे. बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती मुसीबतों को देखते हुए इन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने के लिए एक नाव का सहारा लिया. भारी बारिश के बाद बेगूसराय के कई इलाकों में गंगा का पानी भर गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई और कच्चे मकान डूब गए. वहीं कुछ लोग अपने सामान के साथ ऑटो के अंदर और ऊपर बैठकर वहां से जाते दिखाई दिए और उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी गाँव छोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया. स्वास्थ्य नाम का काम का नहीं है. लोगों ने प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया. लोकल लेवल पे हमारे सारे पदाधिकारी उस पर नजर रखे हुए हैं. गांव वालों का दावा है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से कई लोग पलायन कर चुके हैं और जल्द हालात नहीं सुधरे तो कई और गाँव भी खाली हो जाएंगे.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में कुछ दबंग तमंचे के बल पर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना 13 सितंबर की है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से इस युवक को बदमाश लाठी से पीट रहे हैं, बार बार गालियां दे रहे हैं। आरोपी पहले लड़के को के बाल पकड़कर उसे पीटते दिखाई दिए और फिर बेल से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान लड़का छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी वहां नहीं पहुंचा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एशिया के 6 देशों की क्रिकेट टीमों के बीच आज से श्रेष्ठता की जंग शुरू होने वाली है और एशिया कप के सभी मैच दुबई और अबुधाबी में खेले जाएंगे, जिसके लिए 6 टीमों को ए और बी ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं, जबकि भारत को पाकिस्तान और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। एशिया कप का पहला मैच 15 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, यानी आज। और एशिया कप का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा भारत और पाकिस्तान का मैच 19 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। अगर लीग मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो सुपर फोर और फिर फाइनल में भारत पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं और इस सीरीज के लिए विराट कोहली को आराम देते हुए रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है, उन्हीं टीम की कमान सौंपी गई है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया में स्थापित की गई गणपति की प्रतिमा का 1.5 दिन बाद विसर्जन कर दिया गया और इस दौरान अंबानी परिवार के साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जो गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए उनकी प्रतिमा के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचे और वहां गणपति का विसर्जन कर दिया। इससे पहले एंटीलिया के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे, जिनमें अंबानी परिवार के करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी थे। गणपति की प्रतिमा को एक गाड़ी में रखा गया था। इस दौरान नीता अंबानी के साथ आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहू श्लोका मेहता भी नजर आईं। गाड़ी में अंबानी परिवार डांस करता भी दिखा। डांस के बाद नीता अंबानी ने गणपति की आरती भी की। इसके बाद अनंत अंबानी कुछ लोगों के बीच गए और उनके साथ डांस करने के बाद आगे चलने का इशारा किया, जिसके बाद गणपति की प्रतिमा को लेकर सभी लोग वहां से आगे बढ़ने लगे और इस दौरान पूरा इलाका गणपति के जयकारे से गूंज उठा और जोर जोर से जयकारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। इस दौरान नीता और ईशा अंबानी गणपति को ले जा रही गाड़ी में ही बैठी थी। जबकि गाड़ी को घेर कर कई लोग चलते दिखाई दिए, इनमें कई लोगों ने अपने हाथों में झंडे भी ले रखे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अंबानी परिवार गाड़ी से उतर गया और पीछे चलने लगा। गाड़ी के पीछे चलते हुए अंबानी परिवार ने गणपति के जयकारे भी लगाए। इस दौरान अंबानी परिवार की होने वाली बहू श्लोका मेहता भी साथ थी। इसके बाद गिरगांव चौपाटी में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया।